हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वूलन ब्लाउज का लोअर पार्ट आप लोग को बनाना बताऊंगी। ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया हुआ है देखिए, प्लस इसका मेजरमेंट, इसको मैंने आप लोग को बनाना कई बार बताया है और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। सेम वही प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स। कई बार लोग पूछते हैं कि मैम इसका डिज़ाइन बताइए, इसका डिज़ाइन सेम वही है, बस मैंने यहाँ पर चेंज किया है, ये लोअर नीचे का पार्ट चेंज किया है और उसमें मैंने सारे डिज़ाइन ऐसे ही डाले हुए हैं। सिंगल कलर में नीचे का पार्ट सिंपल बनाया है, बट इसमें मैंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं और पूरा प्रोसेस, गले का डिज़ाइन और ये पूरा पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट सब एक ही जैसा बनेगा, बस इसमें मैंने डिज़ाइन चेंज किया है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो डिज़ाइन को बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी बनकर आता है उसको प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये डिजाइन देखिए, नौ नौ के मल्टीपल बनेगा, प्लस आपने दो कर लेना है, साइड में आपने दो फंदे एक्स्ट्रा करने, एक इधर और बाकी के नौ के मल्टीपल ये डिजाइन बनता है। यानी नौ फंदों का आप जितना भी प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं आप, उसका नौ फंदे से, नौ से गुणा करके आपने उतना ही फंदा रखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये पीछे से डिजाइन बनेगा, तो आगे की साइड से हमने एक फंदे, एक सिलाई बुन लिए हैं। तो चलिए पीछे से ये डिजाइन हम बनाना शुरू करते हैं। एक फंदा हमने सादा बुन लेना है, सीधे ऊन को अपनी साइड लाएंगे। एक फंदे पे हमने तीन बार, एक दो तीन, तीन बार हमने रैप करना है, यानी तीन, देखिए एक दो तीन, एक फंदे पे हमने तीन बार लपेटना है, एक दो तीन। ऐसे ही हमने सारे फंदों पे, लास्ट में एक फंदे हमने सिंपल बुनना है सीधा, बाकी के सारे फंदों पे हमने यहाँ पे 20 फंदा लिया हुआ है, दो डिजाइन हमारी बनकर आएगी। तो बाकी के फंदों पे हमने ऐसे ही तीन तीन बार लपेटते हुए, देखिए एक दो तीन, तीन तीन बार हमने लपेट के ये कंप्लीट करना है। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम ऐसे ही करके आगे की साइड आ गए हैं। तो अब आपने आगे की साइड क्या करना है, आप लोग केयरफुली देखिए फ्रेंड, बहुत इजी डिजाइन है, बहुत जल्दी डिजाइन ये बनने वाली है। ये लगता है कि हमने कुरुस से बनाया हुआ है। देखिए एक फंदे हमने सिंपल बुन लेना है, बाकी के फंदे देखिए हमने इसको पीछे करना है, फंदे को, अरे ऊन को, नौ फंदे हमने खोल लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे देखिए हमने यहाँ पे खोल लिए हैं। अब इन नौ फंदों को हमने इस सिलाई पे ले लेना है, एक भी फंदे हमारे छूटने ना पाए। तो चलिए हम पहले हम उल्टा फंदा बुनेंगे। ऊन हमारा उस साइड है, देखिए पीछे की साइड, और इसको हम बुनते हैं ये उल्टा, एक भी फंदे हमारे मिस ना होने पाए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपने केयरफुली देख लेना है कि कोई भी फंदा हमारा, देखिए यहाँ पे शायद एक फंदे हमारे छूट गए हैं। तो आपने ऐसे करके काउंट करके एक एक फंदे डाल लेने हैं सिलाई पे। बस एक बार आप लोग को थोड़ा परेशानी होगा, उसके बाद आप इजीली बना लेंगे। तो चलिए ये देखिए नौ फंदे हमारे दिख रहे हैं पूरे। अब इसमें नौ फंदे में हम सिलाई को डालेंगे। अब देखिए एक ये देखिए यहाँ पे हमने बुन लिया, फिर हम यहीं पे सीधा फंदा बुनेंगे इसी से लेके ऐसे करके, देखिए दो बार हम बुने, ये देखिए फिर हम यहाँ से लाएंगे, ये देखिए हमने, देखिए यहाँ पे ऐसे, देखिए यहाँ पे कितने हमारे फंदे हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हो गए। फिर अब हम ऐसे बुनेंगे, एक बार उल्टा एक बार सीधा हमने ऐसे ही डालना है। देखिए यहाँ पे कितने फंदे हुए, एक दो तीन चार पाँच
6 7 8 एक फंदा हमारा हो जाएगा। देखिए हमने ऐसा निट करना है कि यहाँ पे हमारे 9 फंदे आए, तो एक बार ऐसे फिर हम ये 9 फंदे को खोल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे को खोल लिया। इस पे हम सारे फंदे को इस सिलाई पे ले लेंगे। आपने ऐसे केयरफुली देख लेने हैं कि कोई फंदा हमारा छूट तो नहीं रहा है। अब देखिए पहले हम उल्टा बुने, फिर इसी में से सीधा, फिर ऐसे इसी फंदे से उल्टा, फिर इसी से सीधा। अब देखिए यहाँ पे हमारे कितने फंदे हुए, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए एक फंदा हम और बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे टोटल कितने फंदे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हो गए। बीच बाकी का एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब एक सलाई हम सारे फंदों का सीधा सीधा बुनेंगे, सभी फंदे हमने पीछे से भी सीधा सीधा बुनना है। सभी फंदे हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए पीछे की साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लिए, तो ये हमारी डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब आगे की साइड से हम दूसरा कलर जोड़ेंगे, तो आगे की साइड से हम सारे फंदे को सीधा सीधा बुन लेते हैं, फिर पीछे से यही हमारी डिजाइन बनना शुरू होगा। तो आगे से हम सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। देखिए पीछे की साइड से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी साइड लाएंगे, सारे फंदे पे तीन तीन बार हम लपेटेंगे। देखिए आपने खूब ढीला ढीला तीन तीन बार लपेटना है, देखिए एकदम ढीला ढीला सारे फंदे पे हम लपेट लेते हैं, फिर आगे की साइड डिजाइन बनाते हैं। देखिए फ्रेंड ये हम पीछे से कंप्लीट कर लिए हैं, अब आगे की साइड से हम डिजाइन बनाएंगे। एक फंदे हमने उल्टा बुन लेना है। अब फंदे को हम खोल लेते हैं, 9 फंदे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हमने यहाँ पे 9 फंदे खोल लिए हैं। इन फंदों को आपने इस सिलाई पे ले लेना है। लेने के बाद आपने ऐसे देखिए देख लेना कि कोई फंदा हमारा छूटा तो नहीं है। अब देखिए हम इसको बुनेंगे, 1 2 3 4, चार बार बुने, देखिए कितना फंदा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और बुनेंगे, यहाँ पे 9 फंदे हमारे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदा हो गया हमारा यहाँ पे, ये देखिए। फिर अब हमने 9 फंदे खोलने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए हमने यहाँ पे 9 फंदे खोल लिए। इन 9 फंदों को आपने इस सिलाई पे ले लेना है। ये देखिए हमने इस पे ले लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए ऊन हमारा ये आगे की साइड है, तो सबसे पहले हम उल्टा बुनेंगे। देखिए ये इस साइड है हमने, तो ये देखिए ऐसे बुनेंगे उल्टा, ऐसे एक फंदा हो गया। फिर यहीं से हम ऐसे को डाल के बुनेंगे सीधा, 2 बार बुने, फिर यहीं से हम 3 4, एक बार ऐसे लास्ट में उल्टा आ जाएगा, 5 बार हम बुनेंगे तो हमारे यहाँ पे 9 फंदे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 9 फंदे हो गए। इसको एक फंदा हमारा जो बचा है हम साथ बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत इजी है। ऐसे फ्रेंड्स आप हाफ जैकेट बना सकते हैं। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो मैं ऐसे ही आप लोग को हाफ कार्डिगन बना के बताऊँगी फुल मेजरमेंट के साथ। तो आपने ऐसे ही करना है। हूँ आपने स्टार्टिंग में जब आप एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो आपने ऊन को इसी साइड उल्टे किसी साइड रख के तो उल्टा से ये डिज़ाइन बनना शुरू होगा। पहले उल्टे में हम बुनेंगे। देखिए ऐसे ये डिज़ाइन है, और जब हम लगाएंगे पट्टी तो ऐसे है। पट्टी लगाना मैंने आप लोग को बताया है। देखिए कि एक एक फंदे हम, ये देखिए डिज़ाइन भी हमारा, एक एक फंदे हमारा ये डिस्क्रीज होते हुए जाएगा, यानी कम होते हुए जाएगा जब डिज़ाइन हमारी बनेगी। तो देखिए यहाँ से एक एक फंदे हम कम करते हुए डिज़ाइन में भी बनाए हैं। उसके बाद बराबर बिनकर फिर जितने भी फंदे हमने शुरू से बनाए हैं, यहाँ पे 40-50 फंदे का ही आप पट्टी बनाएं। फिर उसके बाद एक एक फंदे हम एक्स्ट्रा करेंगे, जितने फंदे से यहाँ शुरू करेंगे उसके बाद उतना ही फंदा हमारा आ जाएगा। फिर हम इसको सिल देंगे। देखिए पीछे का पार्ट एक ही जैसा बुना जाएगा, ना कहीं पर घटाना है और ना ही बढ़ाना है। देखिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।